राजस्थान कार्यक्रम जो बीजेपी पार्टी का था, किस तरह क्या था, आपने रोज जताया था। पिछले 4.5 साल से कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार, गुंडा राज और कुशासन को राजस्थान की जनता झेलती आ रही है। अब हम सब देख रहे हैं कि अब पानी सबसे ऊपर पहुंच चुका है। ये सरकार जो है वो महिला विरुद्ध सरकार है, युवा विरुद्ध सरकार है, किसान विरुद्ध सरकार है, और अब पूरा प्रदेश, पूरा राजस्थान इसने ये ठान लिया है कि अब हम इसकी गुंडागर्दी नहीं सहेंगे, भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, इस महिलाओं का अपमान और युवाओं का अपमान, किसानों का अपमान हम नहीं सहेंगे। उसके विरोध में आज हम सब पार्टी वालों ने आज ये रैली निकाली है और अगले 11 दिनों तक हमारा ये अभियान आगे चलता रहेगा। चल 11 दिन तक तो ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ लोगों को जागरूक करेंगे, क्या रहे, किस तरह रहेगा में? जी बिल्कुल, हम सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव ढाणी ढाणी जाएंगे और उनको ये बातें बताएंगे, उनको जागरूक करेंगे और उनको बताएंगे कि इस बार हमें कांग्रेस सरकार को हमारे क्षेत्र से, हमारे बहरोड से, हमारे प्रदेश से निकाल कर बाहर फेंकना है, बीजेपी का कमल खिलाना है और सुशासन लेकर आना है। तुष्टिकरण की राजनीति, पांच पांच सभी कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को जो एक आवाज में आज यहाँ पर आए, उन सभी को भारतीय जनता पार्टी के एक एक पदाधिकारी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी को धन्यवाद। और आप इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के संघर्षों के अंदर आप सब खड़े रहे। हम यहाँ से इस भ्रष्टाचारी विधायक को, इस चून चोर विधायक को, इस कांग्रेस की सरकार को यहाँ से भगा के रहेंगे, ये हम संकल्प लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। विधायक मुर्दाबाद, विधायक तेरी गुंडागर्दी, विधायक तेरी गुंडागर्दी, विधायक तेरी तानाशाही। अब ऐसे देंगे गले छोड़ दे, उनके चक्कर में संघ समय न हो, हमारे कली उन्होंने किया है, लाठीचार्ज किया है, चले राजस्थान पुलिस पर, अब युवाओं पर, बेरोजगारों पर, किसानों पर, व्यापारियों पर, विद्यार्थियों पर, महिलाओं पर इतना अत्याचार है ना, सबकी सब अपनी बात उड़ेड़ देंगे, किस पर, पुलिस पर, भारत माता की, जोर जोर से माता की, भारत माता की, भारत।